तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी के एपिसोड 2 में। तो यार, पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 1 में हमने इसकी जो स्टार्टिंग वाली स्टोरी थी वो कवर की थी, लेकिन जो हमने एपिसोड 1 में एंडिंग में जहाँ पे हमने ये स्टोरी छोड़ी थी वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन एपिसोड 1 थोड़ा सा बड़ा था, उसमें हमने दो चैप्टर्स एक साथ कवर किए थे, लेकिन एपिसोड 2 में हम चैप्टर 3 होमकमिंग को कवर करने वाले हैं। और यार, इस एपिसोड में ना हमें एक काम दिया गया है, मतलब एक मिशन है हमारा। गणेश जी का जो टस्क है यानी जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, जब परशुराम जी की और श्री गणेश जी की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो गणेश जी का दांत टूटा हुआ था, उसको हमें ढूंढना है उस असव से पहले। असव को तो आपने पहचाना ही होगा, जो एपिसोड 1 में जो हमें विलन दिखाई दिया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट खुद को बताता है, वो भी इसको ढूंढ रहा है। लेकिन वो इसको ढूंढने के बाद कुछ अलग काम ना करे, यानी कुछ बुरा ना काम करे, इसके लिए उससे पहले हमें ढूंढना होगा। तो ये है क्लोई हमारा कैरेक्टर, ये एक चोर है प्रोफेशनली। तो चलिए जल्दी से हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे इंडिया को इस गेम में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे यारों, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। और यार, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गेम भाई 6 साल पुराना है, आपके लिए भी ये पुराना ही हो सकता है अगर आपने इसका स्टोरी नहीं देखा। लेकिन यार, ये मैं उनके लिए खेल रहा हूँ और खुद के लिए भी, जिन्होंने अभी तक इस गेम को एक्सप्लोर नहीं किया गया। भाई, ये पीसी के लिए जो गेम आया था ये 2 साल पहले आया था, और प्ले स्टेशन के लिए 6 साल पहले। लेकिन यार, 2 साल पहले तो मेरे पास था नहीं, तो अभी मैंने बना लिया है भाई गेमिंग पीसी, तो मैं अभी खेल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे ज़रूर बता देना। तो चलो भाई, जल्दी से यहाँ से हम एपिसोड 2 को शुरू करते हैं, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा पहले। एक सेकंड भाई, हमारी गाड़ी कहाँ है? Right where I left it. ओके, तो जो हमारी जो इसमें पार्टनर है वो तो गाड़ी के पास पहुँच गई है पहले, और हमें भी जाना है। आई थिंक हमें यहाँ से कूद के जाना होगा। ओके, माय ट्री ब्रिज फेल, कैन यू मेक इट अ क्रॉस? वर्किंग ऑन इट, I'm fine, by the way. तो चलो भाई, शुरू में ही हमारी किस्मत ने दिखा दिया कि भाई आगे का रास्ता, आगे का जो सफ़र है हमारा, बहुत एकदम तकलीफ वाला, यानी बहुत, समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हो, एकदम हो सकता है डेंजर, तो हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। Okay. सेकंड, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अरे भाई, नहीं 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 नहीं, अच्छा ओके ठीक है, ऊपर जाना है। अच्छा, वॉल रन दीवार की, अरे अरे नहीं यार, एक सेकंड, तो किसने कितनी भी मुसीबत आए दोस्तों, हमें ये सफ़र पूरा करना ही होगा। लेकिन देखते हैं कि भाई कितनी मुसीबत आने वाली है, कितनी मुश्किल भरे टास्क हमें इसमें मिलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो हम भाई बहुत ऊंचाई पर है, नीचे गिरे तो भाई गए काम से। चलो भाई, ये हाथ दे रही है, इसको देते हैं अपना हाथ ताकि ये ऊपर खींच सके। अरे दे दे भाई। I'm good actually. Okay. तो चलो भाई, ये रही हमारी लाल कलर की सवारी। चलो भाई, ड्राइविंग का मोड चालू। Want me to drive? No. I don't mind. I do. It's a control thing. Sure. तो चलो भाई, अभी आगे का जो सफ़र है हमें गाड़ी में ही करना होगा, तो जहाँ पे भी रास्ता दिखे वहीं से हमें चलानी होगी गाड़ी हमारी। Got a dumb question. So much for that. How do you know the tusk is still there? It would have turned up in a museum or something by now, right? Plus, I haven't seen any Hoi Solar exhibition. I've never even heard of the Hoi Solar before this job. Yeah, well, that's the fault of their last king, really. Young, reckless. Launched his empire's wealth, built a new capital to house the tusk, and then led the Persians right to their doorstep. Hey, look, flamingo convention. तो देख सकते हैं भाई लोग, यहाँ पे सारे फ्लेमिंगोज हैं। लेकिन यार, हमारे गाड़ी का आवाज़ सुन के ये तो भागी जाने वाले।
तो होयसाला जो आपने सुना होगा, होयसाला एक एम्पायर है, और होयसाला एम्पायर और परिशन के बीच में एक लड़ाई हुई थी। तो उस लड़ाई के बीच में जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत था, यानी जो टस्क था जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो छुपाया गया था, और हमें उसी टस्क को हमें इस गेम में ढूंढना है। तो चलो भाई यहाँ से निकला जाए पहले। Refreshing. Could have warned me. Oh, where's the fun in that? तो इस गेम में हमें भाई बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाले नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भाई झरना है, और झरने के पीछे से हमारा जो रास्ता है वो आगे लेके जा रहा है हमें। So, quite nice to be outdoors, isn't it? Away from the city, quieter. You come back here often? No, not really. Oil up ahead. Slow down. Well, look at this. Hoysala ruins. Can we get through that gate? I'll check it out. ओके, तो जो हमारी पार्टनर है जिसका नाम है नेडीन, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, और ये बोल रही है यहाँ पे होयसाला का एक टेम्पल है। लेकिन यार आगे तो दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है। एक सेकंड भाई, आगे थोड़ी गाड़ी लेके जा के देखते, रास्ता यहीं से होना चाहिए। एक सेकंड यार, यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ये जो मूर्ति है वो है गणेश जी की, और ये शायद मेरे हिसाब से गणेश जी के जो पिताजी है शिव जी, ये उनकी इस मूर्ति है। एक सेकंड भाई, ऊपर जाके ही पता चलेगा। Your capitals. What have we got? Halabadu and Valour. I thought these were Ganesh and Shiva. Someone's been paying attention. Ganesh was the guardian of Halabadu, the newer of the Hoysala capitals. Shiva was the guardian of the former capital, Valour. The stonework is beautiful, but this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. तो क्लोई के जो पिताजी है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ऐसे ही रिसर्च करते हैं। तो आई थिंक हमें ये जो दरवाजा है अभी तोड़ना पड़ेगा। Looks that way. Great. I'll make short work of these gates. What, you're just going to pull them down? That's the plan, unless you brought dynamite. This is your gig. Take that as a no. ओके चलो, तो हमें ये कुछ भी करके ये जो दरवाजा है ये तोड़ना पड़ेगा। आई थिंक इसको खींचना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी की मदद से हम इसको खींचेंगे तो टूट जाएगा शायद। Right. That should do the trick. Fraser, move. It's an ambush. Shit. Take cover. Thanks for the heads up. गैस क्या किए, कहां से आ गए? चलो भाई, इनको तो निपटा दिया। और जो हमारे जो साइलेंस पिस्तल है ये बहुत डेंजरस है, लेकिन हमें एक और गन की ज़रूरत लगेगी जो इनके पास से हमें मिल जाएगी। अच्छा ओके, इसके पास एक गन है। ऊपर वाले लोगों के पास क्या है? पिस्तौल नहीं, पिस्तौल है हमारे पास डेंजर वाले। ओके, इसके पास बम भी है भाई, बम और गोलियां भी मिल गई। और भाई ये दो बम लेके घूम रहा था। अच्छा, तो आरबी होल्ड करने से हम ग्रेनेड फेंक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे लिए अंदर जाने का रास्ता तैयार हो सके। टूट जा भाई। एक सेकंड, आगे लेते हैं गाड़ी और फिर पीछे लेते हैं। ओके, तो हमारा रास्ता हो चुका है, और चलो देखते हैं भाई। तो मेरे हिसाब से अगर यहीं से हमारे ऊपर जो एनिमीज अटैक कर रहे, तो आगे भी एनिमीज हो सकते हैं, तो हमें चौकर ना रहना होगा। भाई ये जो ग्राफिक्स है ना गेम के, वो देख के भाई ऐसा लग रहा है मैं रियल में इस जगह पे हूँ। तो भाई मज़ा तो मेरे को आ रहा है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है या नहीं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। Sentimentality in this line of work gets you killed.
हर जगह पे भाई झरने ही झरने हैं। खूबसूरती तो भाई इस गेम में कूट कूट के भरी गई है। अरे भाई चमगादड़। अरे भाई ये कीचड़ वाला रास्ता है। इस गेम को जो बनाया है ना भाई एकदम रियलिस्टिक बनाया है। देखो भाई कीचड़ में भी अपनी रियल लाइफ में भी गाड़ियाँ फिसल जाती है, तो हमें घी घास और पत्थर की मदद से ऊपर जाना होगा। एक सेकंड भाई, चल 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 चल। अरे फंस गई, निकल निकल। चलो गाड़ी तो हमारी निकल गई, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी जहाँ तक अपन आए थे वहाँ से तो भाई रास्ता घास वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पे घास में गाड़ियों के आने जाने के निशान मुझे लग रहे, तो ऐसा हो सकता है कि जो एनिमीज ने हम पे अटैक किया था वो आगे हो सकते हैं। हाँ ये क्यों रुकने को बोल रही है? अच्छा टेम्पल है क्या आगे? Well spotted. Shit. अरे भाई ये तो असव है, ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जो वो गणेश जी के टूटे दांत के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमसे पहले बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके जा चुका है और हमारे सामने है, तो हमें इनसे निपट के आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले वो जो उनका बॉस है उसको आगे जाने देते हैं। प्लान तो मेरे पास है, जो सामने दो बंदे दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर तो मैं भाई गाड़ी चढ़ाने वाला हूँ। भाई स्नाइपर भी है इनके पास। Was this really your plan? Sort of. इनको भी लेना पड़ेगा। एक गया। भाई पीछे कोई ना आ जाए बस। भाई 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 इसकी बहस क्या कि ऊपर से मार रहा है। अरे शिट ये भाई ऊपर है इसकी वजह से। शायद गया वो, एक बच्चा है। आजा आजा आजा। अरे शिट इसको कुछ भी करके मारना होगा। कितने हैं भाई यहाँ पे? इनको ऊपर चढ़ के मारना है। अरे ऊपर भी वहां से कोई नहीं। भाई गोलियां खत्म। कुछ भी नहीं है भाई। चलो ये मर गया। गाड़ी लेके ऊपर जाते हैं। चल नडीन आजा, अकेला ही बचा है मेरे हिसाब से वो ऊपर। इनको दिखा देता हूँ भाई गोलियां, इस गम की गोलियां खत्म हो गई। यू आर फिनिश्ड। ओह कैन वी टॉक दिस आउट? आई फाउंड देम। शिट शिट गेट अराउंड देम। अरे मर क्यों नहीं रहा? ये गन पिस्टल के अलावा उठेगी क्या? अच्छा ओके
यहाँ का हो गया क्या हमारा? आई थिंक हो गया। We're good. हमें दूसरी गन चाहिए। ओके। वहाँ पे ऊपर एक है, चलो वो गया। भाई साहब ये हमारा पहला एम्बुश था तो कोई बात नहीं। Think that's it. That's the way to do it. Not bad work. चलो भाई यहाँ का काम हमारा हो चुका है शायद। एक सेकंड, वहाँ पे ट्रक है, कुछ ना कुछ हमें मिल तो जरूर जाएगा क्योंकि हमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे हमारी गोलियाँ ख़त्म हो गई थी वैसे गोलियाँ ना ख़त्म हो जाए बस। इसमें क्या है? अच्छा तो एपिसोड 1 में जैसे हमने दरवाजे खोले थे पिन की मदद से वैसे ये खोल सकते हो। ओके आता है मुझे, एक हो गया। खुल गया। ओके इसमें क्या है? अच्छा साइलेंस्ड पिस्तौल। ओके ठीक है कोई बात नहीं, हमारी गोलियां बढ़ जाएंगी। आई थिंक हमें हमें ऊपर जाना है। यहाँ के किसी के पास अच्छा गन नहीं था क्या? ऊपर चढ़ के ही जाना होगा शायद। ऊपर वाले के पास कौन सी गन थी? तो इसके पास भी सेम गन थी तो गोलियां मिलेगी हमें। चलो कोई बात नहीं, ये शायद गेट है जिसकी मदद से अपनी गाड़ी ऊपर आएगी। लेकिन नीचे कहाँ है? नडिन कहाँ गई? अच्छा शायद वो गाड़ी लाने के लिए गई है। कोई बात नहीं, चलो खुल जा सिम सिम। हमारे गाड़ी भी आ चुके हैं। ओके ब्रिंग हर अप। केयरफुल ऑलवेज। राइट बैक टू शॉटगन। आई एम परफेक्टली कैपेबल ऑफ ड्राइविंग यू नो। I'm sure you are, honey. I just prefer to. चलो नैडिन भी गाड़ी चलाना चाहती है लेकिन भाई मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है तो मैं तो उसको गाड़ी चलाने नहीं देने वाला। चलो भाई देखते हैं कहाँ तक जाता है हमारा ये सफर। Wow. It's a lot of ground to cover. True, but unlike your boy Asav, we've got an advantage. The three symbols. Let's have a look at the map. अच्छा ओके हमें मैप मिल चुका है। ओके लेट्स सी वी आर राइट अबाउट हियर। आई कैन मार्क इट अप एज वी गो। अच्छा ओके तो पूरे मैप में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हम कहाँ पे है वो लोकेशन है। और ये काले कलर में एक जो एक वॉच टावर ऐसा कुछ है वो वहाँ पे मार्क है लेकिन आई थिंक वो हमारे ठीक सामने ही है। चेक आउट दैट टावर। बेट यू कुड गेट द ले ऑफ द लैंड फ्रॉम अप टॉप। मेबी। ओके तो शायद हमें ऊपर टावर के ऊपर जाने के बाद हमें बाकी लोकेशन का पता चल सकता है तो जल्दी से उसके तरफ जाके देखते हैं। हाँ बस यार वहाँ पे वो दुश्मन ना हो। ओके आई विल कीप एन आई आउट फॉर सॉफ। परफेक्ट। नॉट दैट आई एम टू वरीड अबाउट हिम नाउ। यू शुड बी। वी वोंट हैव द एडवांटेज ऑफ सरप्राइज अगेन। डोंट थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम यू। वेट वाज दैट अ कॉम्प्लीमेंट? दैट साउंडेड लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। हिज गाइज़ आर इडियट्स बट अ सॉफ इज। We just need to stay the hell away from him. चलो भाई। एक सेकंड। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा लेकिन सबसे पहले हमें वो टावर के ऊपर जाना पड़ेगा। They've understood the appeal of people like Asav. Easy. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. Purpose. Sorry, I need a moment. यार ये नेडिंग जो है बहुत बकबक करती है लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके ये नंदी जी का स्टैचू है यहाँ पे छोटा सा। एक सेकंड ये क्या है? डोंट रिकॉग्नाइज दिस। इट्स नॉट वन ऑफ द थ्री सिंबल्स। स्टिल कुड बी अ चांस टू मेक सम एक्स्ट्रा कैश। ऊपर भी कुछ है, ये क्या है? ऑलराइट लेट्स सी व्हाट यू डू।
अच्छा वाटरफॉल्स फाउंटेन्स अच्छा फाउंटेन्स एक सेकंड इसका कुछ तो करना होगा डोंट थिंक सो इसको बंद करना है क्या शायद बंद ही करना है अरे अरे पकड़ 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 और ये बज रहा है शायद उल्टी गिनती है इसमें मुझे नहीं लगता अपन पहले ट्राई में इसको कर पाएंगे ओके गेस दिस इज अ थिंग जल्दी 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 अनदर अरे पकड़ भाई इसमें भाग नहीं सकती है ज्यादा Here for your amusement. Okay, ये भी हो गया. पकड़ अरे यार गिर गई है अब नहीं होगा अब पॉसिबल ही नहीं है Got it. Still hear that sound. Is there another fountain? That's where I start. भाई साहब इतनी मुश्किल थी लेकिन हमने कर दिखाया एक सेकंड यहाँ पे हमें कुछ मिला है क्या है अरे आजा ओके इंटरेस्टिंग सम काइंड ऑफ होयसला टोकन इट्स नॉट वन ऑफ आवर थ्री सिंबल्स माइट बी वर्थ ट्रेडिंग वंस वी गेट बैक होम अच्छा तो ये एक होयसला सिंबल जो भी इसने बोला अभी लेकिन इसके ऊपर नंदी जी का चित्र बनाया हुआ है तो ये कुछ काम जरूर आएगा चलो सबसे पहले अभी जो काम है वो करते हैं हमें वो टावर के ऊपर चढ़ना है लेकिन यार टावर के ऊपर कैसे चढ़ना है देखना पड़ेगा एक सेकंड अच्छा उस पेड़ में रस्सी बंधी हुई है मतलब हम रस्सी फेंक के ऊपर जा सकते हैं लेकिन हाइट ज़्यादा है एक सेकंड यहाँ पे रास्ता होना चाहिए अच्छा ये डोर है लगता है लेकिन ये बंद लग रहा है इसके ऊपर चढ़ सकते हैं शायद अप एंड अवे भाई यहाँ से गिर गए ना वाट लग जाएगी ओहो धीरे धीरे अरे शिट एक सेकंड यहाँ पे भी मैंने कुछ देखा अच्छा ओके ये कुछ हो सकता है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जाने का हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसका रास्ता कहाँ से आता है चलो कोई ना पहले टॉवर पे चढ़ के देखते हैं Easy does it. All right up there? So far, so good. भाई कितने हाइट के ऊपर हैं हम ओके और कितने ऊपर जाना है हमें शिट फिर से लटकना है अरे 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 भाई रियल लाइफ में ये सब करना फट जाएगी किसी के फिर से लटकना है भाई इस बार थोड़ा अलग है पकड़ नहीं तो गिर जाएंगे मर जाएंगे Be careful up there. Uh-huh. और कितनी ऊपर जाना है और अंदर कुछ है शायद यहीं पे हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा हमारे आगे की स्टोरी के बारे में Here's our three symbols. Well, that took less time than I expected. Okay, ये जो सिंबल है वो है धनुष बाण एक सेकंड एक और ये एक है कुराड़ी ये शायद सूर्यदेव का सिंबल है और यहाँ पे कौन सा ये त्रिशूल है तो एक सेकंड इसको त्रिशूल को ही पहले खोलते हैं गणेश's trident let's see here श्री गणेश जी का ट्राइडेंट those Hoysala ruins it's an old fortress just beyond those waterfalls
ओके, तो ये श्री गणेश जी का ट्राइडेंट है और हमें एक किला भी दिखाया गया है और वहीं पे हमें जाना है, लेकिन ये बाकी के भी खोल के देखते हैं क्या है। एंड बिहाइंड डोर नंबर 2 वंडर व्हाट दैट कुड बी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, इसका कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं, दूसरा खोल के देखते हैं, ये कुराड़ी वाला। लेट्स सी व्हाट्स बिहाइंड द एक्स डोर। Another old fortress, tucked into the mountainside. I'll just mark that on the map with an axe. अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये भी एक फोर्ट है, ये भी एक किला है। एक सेकंड, एक रहा है अभी, एक बाकी है। अभी धनुष बाण में भी शायद किला या फिर कुछ ना कुछ होगा। Last but not least, the bow door. And another old fortress, sitting smack dab in the middle of the lake bed. I'll jot a bow on the map in that spot. चलो, आई थिंक यहाँ का हमारा ऊपर का काम हो चुका है। ओ ओ, 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 ओ भाई, ओ, कोई और रास्ता होगा नीचे जाने का। ये क्या है? Whoa. Guess I should have looked for a call button before climbing up. ओ भाई साहब, ये एक लिफ्ट है। पहले बटन मालूम होता तो नीचे से ऊपर लिफ्ट से ही आते ना। चलो, लेकिन हमें काम की चीज तो मिल गई, हमें 3-4 जगह की लोकेशंस पता चली है, लेकिन वहां पे क्या है हमें नहीं पता। लेकिन यार, ये जो गेम का ग्राफिक्स है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या घास लग रही है, एकदम हरी भरी। यार गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो आपको पता ही क्या करना है। लेकिन ईच वन वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट फोर्ट्रेस, दोस विल बी द बेस्ट प्लेसेस टू लुक। परफेक्ट। चलो भाई, सबसे पहले हमें कहां जाना है? फाउंड एनीथिंग? जस्ट अ टोकन ऑफ सम काइंड, ओल्ड होयसला थिंगी। थिंक वी नीड इट? नीड प्रोबब्ली नॉट, वांट डेफिनेटली। हमारे मैप में 4 नई जगह है। एक है जो त्रिशूल वाली है, एक है जो कुराड़ी वाली है, और एक है जो हमारी बो यानी धनुष बाण वाली। लेकिन चौथी जगह जो हमने देखी थी, जो सूर्यदेव का जो खोला था हमने डोर, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आई थिंक जो पहले हमें आइडेंटिफाई हुए उस जगह पे पहले जाके देखते कि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो आई थिंक सबसे नज़दीक तो दो है यहाँ पे फिलहाल, एक त्रिशूल वाली और एक धनुष बाण वाली। तो जो भी नज़दीक आएगा, चलो यार, एक जो त्रिशूल वाली है उसकी जगह पर ही जाते हैं अपन। You certainly seem to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but यहाँ पे yeah. कुछ है क्या? Do tell. Rather not. Maybe over drinks. Not enough alcohol in the world. एक सेकंड भाई, हम थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। यार, एकदम रियल लाइफ जैसा लग रहा है, क्योंकि मैप में देखे बिना हम कहीं पे जा भी नहीं सकते। Right, you're the military expert. Okay, what's Asav's strategy here? यही से रास्ता है। He spread out his men, hoping to stop us in our tracks. Not what I would do. So what would you do if you were Asav? Besides lose the beard, hang back, let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the task once you've done all the hard work. Devious, practical, mitigates a lot of risks. Lucky you're on my team. Yeah, you are. I'm a little surprised Asav's not doing the same thing. Maybe his expert knows more than we think. Right. All the more reason to wrap this up quickly then. यार, यहाँ पे तो उन लोगों की गाड़ी है। एक सेकंड, यहाँ पे बंदे हैं भाई। Well, here goes nothing. चलो भाई, हमारे जो साइलेंसर वाले पिस्तौल है वो काम में आएगी अभी हमारे। एक सेकंड, प्लान करके जाना पड़ेगा हमें। पहले तो एनिमीज को मार्क करते ताकि हमें पता चल सके। ओके, इसको उड़ा दिया। उसको भी उड़ा के। ओके, वो उड़ गया। ओ, 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 ओ भाई, उसको कैसे पता चला? भाई, इसको कैसे पता चल गया? भाई, इसने तो हेल्थ खराब कर दी।
भाई जितना सोचा था ये उससे थोड़ा डेंजर है, इसके ऊपर नेड ही फेंकता हूँ मैं। अब मर गया क्या? शायद मर गया। चलो भाई अभी इनको लूटने का काम करते हैं। पिस्तौल तो नहीं चाहिए, गोलियां मुझे ज़रूर चाहिए। यार ये मशीन गन लेके बैठा था यहाँ पे साला। Think so. Spoke too soon. Heads up. इसको भी चला सकते क्या? बंदे आ गए। तुम्हारी बहस क्या? भाई ये मशीन गन बहुत डेंजरस है। एक झटके में भाई सबको मार दिया। We're clear. Good. चलो भाई इसका काम तो हो गया। ओके यहाँ पे भी एक क्रेट है। चलो देखें इसमें क्या है हमारे लिए। ओके इसमें एक गन और एक नेड है। गन की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से आई थिंक, क्योंकि हमारे पास 120 गोलियां हैं तो गन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? एक सेकेंड, उन बंदों को मारा था उनके पास शायद कुछ अच्छी वाली चीज। एक सेकंड यार यहाँ पे भी कुछ है। Another one. Okay, I think यहाँ पे भी हमें कुछ तो ना कुछ जरूर। एक सेकंड यहाँ पे नेड करना पड़ेगा हमें। भाई भाई हाथ टूट गया इसका। भाई साहब हमारे कैरेक्टर का हाथ ही टूट गया। कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। एक सेकंड कुछ तो है। Someone went to a lot of trouble to hide this. एक और होयसाला टोकन हमें मिल चुका है। इसके ऊपर मोर का चित्र बना हुआ है तो ये भी कुछ काम की ही चीज रहेगी। You found anything? Found another token. Has it got anything to do with the tusk? Don't think so. Well, no harm. So long as we hit all the forts you marked in the tower. एक सेकंड यहाँ पे एक स्टैचू है। Hey, notice anything about this statue? It's holding a trident, one of our three symbols. Yes, and it's pointing at those ruins. Right. Well done. Glad I'm good for something. अच्छा ओके यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है तो शायद ऊपर हमें जाना होगा। लेकिन एक सेकंड यहाँ पे ओके तो इसका हमें फोटो लेना है। एक सेकंड मुझे फोटो देखनी है। अच्छा वाह क्या मस्त फोटो आई है। चलो ये आई थिंक यहाँ का हमारा काम हो चुका है तो अभी हमें जाना है ऊपर। तो कैसे जाए? रास्ता यही कहीं से होना चाहिए ना। चलो सबसे पहले तो भाई हमें अपने गाड़ी के पास जाना होगा। गोलियाँ, ढेर सारी गोलियाँ। गोलियां फुल हो गई हमारी। अच्छा 120 ही गोलियां लेके जा सकते हैं। साला इस ट्रक में कुछ नहीं था। हमारे गाड़ी कहाँ गई? चलो एक सेकंड मैप में भी एक बार चेक करते हम कि हमें जाना कहाँ है। ओके तो अभी हमें उस साइड जाना है ना, सीधा जाना है एकदम सीधा सीधा। बस वो दुश्मन हमारे नहीं हो सामने। तो यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ सकती है मेरे हिसाब से। चलो ट्राई करते हैं। अपनी गाड़ी भी बहुत तगड़ी है। चढ़ 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 चढ़। शायद वहाँ से गाड़ी आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। कोई और रास्ता? अरे चढ़ जा। एक सेकंड भाई हम सही तो जा रहे हैं ना। अरे हम
बेटा आ गए। अच्छा ओके ठीक है, हमें उधर जाना है ना। बस हम पानी में बह ना जाए। एक और गुफा। अरे भाई शायद हम आ गए ऊपर। अरे गाड़ी चढ़ना भाई। अरे भाई हम उल्टे आ गए रे। लेकिन एक सेकंड यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे हर एक चीज काम की होने वाली है तो ये भी देख के जाते हैं। Give me a second. I can wait. एक सेकंड यहाँ पे भी कुछ है। Seems to be a lot of these about. ये क्या है ये मुझे नहीं पता। जो भी है हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। There's a little cave over there. अरे अरे ये क्या हो गया। पॉसिबल है क्या वहां तक जाना। या पकड़ 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 पकड़। अरे पकड़ तेरी भैंस की आंख पकड़ ना। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी हमें। आई थिंक वो पहले वाले पे जाना होगा और यहीं से हम ऊपर नहीं सकते। पूरा कीचड़ विचड़ है यहाँ पे तो ऊपर जाने का मतलब ही नहीं है। हमें फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ओके शॉर्टकट मार के देखते हैं। बस इतना मेहनत हम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ काम के चीज़ है। वो होइसला कॉइन या फिर और कोई चीज़ नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ओके पकड़ पकड़ पकड़। गिरना मत। ओए 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 ओए। अरे पकड़। ओ भाई साहब बाल बाल बच गए। नहीं तो फिर से हमें दोबारा ट्राई करना पड़ता। कैरेक्टर में दम है वैसे। कुछ नहीं है क्या? Can't hide from me. अच्छा कुछ तो है। Another token for my collection. एक सेकंड भाई वो जो स्टैचूस का हम लिख ले रहे उसका ही सिंबल है ये। ओके ठीक है चलो ठीक है काम की चीज तो मिल गई। ओके चलो ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब जो हमारी पार्टनर है गाड़ी लेके आ गए हमारे लिए। एक सेकंड मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ बहुत गंदा होगा। ओके अब ठीक। Do you have anything useful? Found another token. चलो भाई हमें टेम्पल में जाना है। हम टोकन ढूंढने में लगे हुए हैं। एक सेकंड अभी देखते हैं कि हम टेंपल से कितनी दूर हैं। अभी बस हमें सीधा सीधा जाना है ना इधर ना उधर बस सीधा। लेकिन टोकन लेना भी हमें बहुत ज़रूरी था। वो रहा सामने टेंपल तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर होगा ना। आई थिंक यहाँ यही से घूम के जाना होगा। ऐसा हो रहा होगा कि हम गलती कर रहे हैं। अरे भाई चल ना कहीं से रास्ता होना चाहिए। एक सेकंड भाई एक्सप्लोर करने में तो मज़ा आ रहा है बट
पेशेंस चाहिए। एक सेकंड भाई, यहाँ पे भी गाड़ी है उनकी, शायद वो यहाँ पे आ चुके हैं। एनिमीज हमारे दुश्मन। लुक देयर, वन ऑफ असॉफ्ट ट्रक्स लुक्स क्लियर आउट हियर। इंटरेस्टिंग सर्कुलर मोटिव, लाइक द डिस्क, वी आर डेफिनेटली इन द राइट प्लेस। चेक इट आउट, इट्स गणेश'स ट्राइडेंट, मैचेस द सिंबल इन द टावर। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। That's very good. Oh, well. Figured if we were looking for a Starscout, I'd read up on him. Okay, well, he's a good one to know. You pray to him when you start something new or need to clear your mind of doubts and worry. Ah, remover of obstacles. But why the elephant's head? His father, Shiva, gave it to him. Very thoughtful. After Shiva chopped off his human head. Oh. Yeah. We've all been there, am I right? तो यहाँ पे जो नेडिन है उसका एक सवाल था कि गणेश जी को रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स क्यों बोलते हैं, जो मतलब हमारे लाइफ में जो दुख रहता है उसको निकालने वाला, जो मुश्किलें रहती हैं उनको निकालने वाला क्यों बोलते हैं। तो इसने बोला है कि गणेश जी का नाम या फिर उनकी जो पूजा होती है, हर वो चीज़ जो नई की जाती है, जैसे कि कोई नया घर हो, घर में पूजा हो, सबसे पहले जो पूजा जाता है वो गणेश जी को पूजा जाता है। तो उसके बारे में क्लोई ने नेडिन को बताया है, तो हम सभी को तो पता है, लेकिन चलो ठीक है, नेडिन को पता नहीं था इसलिए क्लोई ने बता दिया। और आई थिंक यहाँ पे हमारे एनिमीज हमारा वेट ही कर रहे हैं। No telling how many men are in there. You ready? Guess we'll find out. चलो भाई, यहाँ पे हमारी जो साइलेंस्ड वाले पिस्तल है वो बाहर निकलते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। पहले मार्क करो एनिमीज ताकि They're all in here. Man down, Let's man keep down. This quiet as long as we can. Look around, people. Okay, दो तो गए। लेकिन यार उसने बता दिया है सबको कि man down करके तीन को तो खा गए हम। तो हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। कोई है? अरे यार यहाँ पे दो लोग हैं, तो हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा। चलो ये भी गया, चलो ये भी गया। अभी कौन बच्चा है यहाँ पे? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ है। चलो आगे जाके पता चल जाएगा। एक सेकंड भाई, कितने लोग हैं यहाँ पे? तू मारा क्यों नहीं वे? चलो आई थिंक अभी सब कुछ ख़त्म हो गया यार। एकदम इनको शांति से मारने में बहुत मज़ा आता है। मर गए ना सब एकदम। ओके, भाई ये कहाँ से आ गया था? इसके पास एक बम मिला हमें और ये एक गन, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 120 गोलियाँ हैं। इसको उठाएं क्या? ये गन कैसे चलती है? नहीं यार ये गन नहीं चाहिए। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कोई और भी है। यहाँ पे एक एनिमी है, स्नाइपर है। ओके, इसका मतलब और कोई भी है। अरे 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 भाई, शांत हो जा भाई। तेरे इतने सारे लोग मार दिए, तेरे को अभी जाके पता चल गया? You're right, I'm fine. Apart from working for a reckless treasure hunter. इसके पास स्नाइपर है। Where to next? Good question. Let's explore. स्नाइपर की जरूरत नहीं है। What do you suppose this place was? Hard to say. देखो यहाँ पर भी एक है। A fortress? Not the right layout for a temple. Okay. तो हमें दो चीजें तो वो मिल गई, लेकिन चलो इसके अंदर जाके देखते क्या। Okay, that's not it. इसको कैसे करते हैं? No, this. What's the trick here? What? Look like a button.
Yeah, I just wanted you to have a go at something. ओके okay, तो उसने वहाँ पे दबाने के बाद कुछ तो हुआ. एक सेकंड, ये क्या चीज़ है, ये जो वहीं पे, एक सेकंड. What's this? That's a good sound. One of the spokes on the wheel just turned around. चलो हमें अभी ये सब ढूंढना है, यही कहीं पे होने चाहिए. कहाँ है? ओके okay, मिल गया एक. And how about you? That's two. एक और मुझे दिखा था, यही कहीं पे था शायद. एक सेकंड. अच्छा ओके, उसको मिल गया. ये कि यहाँ पे था. अरे चढ़. Found you. Only one left. एक और है लेकिन कहाँ पर है वो? यही कहीं होना चाहिए. एक सेकंड. यही कहीं पे होना चाहिए. ये लास्ट वाला बस जल्दी से मिल जाए. ओके मिल गया. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट शुड डू इट. ओके बैक टू द बिग व्हील थिंग. बिग व्हील थिंग, व्हाटएवर द आर्कियोलॉजिकल टर्म फॉर इट इज. बिग व्हील थिंग वर्क्स. चलो जो हमें सबसे पहला वाला मिला था, बड़ा वाला, वहाँ पे जाके हमें देखना पड़ेगा. और कहाँ मिला था ये? अरे आधा ही खुल गया. Come on. Looks like we're going under. Radio. अरे अरे जल्दी 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 जल्दी. भाई साहब थोड़ा बच गई, नहीं तो इसकी चपाती हो जाती अभी. हाँ चलो आगे चल के देखते हैं. ओके यहाँ पर भी कुछ है. Here we go. Well, looky here. What are you willing to bet? Told you it's some kind of key. Gold star for you. Now let's see what it does. What is it? Ancient Hoysala jigsaw puzzle? Okay, तो ये एक puzzle है. इसको हमें, I think हमें एक त्रिशूल बनाना है. Ah, of course. I'm making a trident. नहीं है, ऐसे नहीं है. Ganesh. Hello, sir. Now what? Shri Ganesh ji ka hame trident ka puzzle mila tha, wo to humne solve kar liya easily. Think it's safe? Ab kya karna hai? You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us, right? Neither is being a mercenary. Difference is when I pull the pin on Granite, I know what's going to happen next. My way's much more fun. Chalo to abhi isko ghumana padega. Okay, पता नहीं ये घुमाने के बाद क्या होगा. अरे नहीं हुआ क्या? कुछ तो हुआ. Did you hear that? You feel that? ये एक सेकंड, पानी की आवाज है ये तो. Teresa, look at that. एक सेकंड, ये क्या है, क्या दिखा रही है? Holy hell. There's a massive relief carved into the side of that mountain. And you were worried we were going to turn that crank and die. Guess it's good I've got an archaeologist's daughter with me. It must have been fun growing up, eh? It had its moments. I learned a lot. तो यहाँ पर हमने इस पजल को सॉल्व किया,
पजल के नीचे से पानी बहने लगा और सेम चीज हो रही है सामने जो हम दिख रहे हैं वहां पे भी पानी बह रहा है लेकिन वहां पे तीन आइकॉन दिखाई दे रहे हैं मतलब तीन जगह से पानी बहना चाहिए तो मतलब हमें अभी दो पजल सॉल्व करने बाकी है तो इस एपिसोड में हम ये पजल सॉल्व करेंगे यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो आगे वाली स्टोरी रहेगी वो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे ठीक है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी मार देना तो देखते हैं आगे क्या होता है इस एपिसोड में What you should know. Heard you and those Drake brothers are close. Yeah, well, it's a conversation for another time. So, where to next? There's the fort marked with an axe on the mountain there, and that fort marked with a bow in the lake bed. Suppose I should have asked about the Drakes before I took the job. Not much to tell. I know Nate pretty well, Sam less so. He seemed to just appear out of thin air. Okay, तो चलो भाई लोग इस एपिसोड में बस इतना ही इसके आगे का एपिसोड अच्छा होने वाला है मतलब प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ने वाली है तो चलो गाइस बाय बाय मिलते हैं अगले एपिसोड में